यार बरगद के पेड़ पे फंस गया है ये। वो भाई साहब आगे पीछे करके कुछ भी करके निकालना पड़ेगा। दोस्तों मैं हूं आदित्य और आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल आदित्य हिंदू में। दोस्तों हमारे रायपुर के कालीबाड़ी चौक में चंद्रयांत्री गणेश पंडाल बना है और उसमें गणेश मूर्ति जो बैठा है जो कि नवग्रह थीम पे बना है। दोस्तों मूर्ति की बात करूँ तो तीन अलग अलग पार्ट है, तीन मूर्ति को जोड़कर एक मूर्ति बनाया गया है। तो उसका दोस्तों आज ही विसर्जन, अभी मैं आ गया हूँ चंद्रयांत्री गणेश पंडाल के पास। आप बैकग्राउंड से देख भी सकते हैं। तो अभी होगा दोस्तों मूर्ति क्रेन से उठाकर लादा जाएगा और लेकर जाएंगे विसर्जन के लिए महादेव घाट विसर्जनपुर। दोस्तों अगर बात करूं मूर्ति की तो अलग अलग पार्ट है, तो अलग अलग पार्ट से विसर्जन होगा, पहले 1 2 3 करके। इस ब्लॉग में मैं बताऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से मूर्ति को उठाया जाता है और ले जाया जाता है और विसर्जन किया जाता है। दोस्तों जब आगमन हुआ था तो उसका भी वीडियो मैं डाला था। दोस्तों बात करूँ इस मूर्ति की तो सिर्फ रातों रात आता है, रातों रात आना होता है, रातों रात जाना होता है। जब आया था तो रातों रात आया था और जाना भी हो रहा है तो रातों रात ही जाएगा। मूर्ति बड़ी है दोस्तों और कुछ ज़्यादा ही धूमधाम से होता है, तो रोड रोड जाम होता है, आप भी जानते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा विसर्जन, वीडियो में तक बने रहेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वो पूरा बरगद के पेड़ पे फंस गया है ये। वो भाई साहब आगे पीछे करके कुछ भी करके निकालना पड़ेगा। वो आप देखो विक्रम लैंडर है। अरे बैक कर रहे हैं यार ये लोग, बैक करना पड़ रहा है भाई साहब। मतलब कैसे करके निकालेंगे यार, मतलब दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा भाई, फंस गया है ये तो। दोस्तों ये वाला चौक है, सीधा इंदौर स्टेडियम निकलता है यहाँ से थोड़ा सा आगे, और ये बूढ़ा तालाब है और ये जाएगा पुलिस ग्राउंड। देखो यहाँ पे मूर्ति फंस चुका है, बैक करना पड़ रहा है, उधर पेड़ पे फंस गया है भाई। दोस्तों ये चंद्रयांत्री मूर्ति है जो कि वो पेड़ पे फंस गया था बरगद पे चौक पे, इसलिए इसको बैक किया जा रहा है। दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा फिर मूर्ति को ले जाने के लिए, क्योंकि दोस्तों लाते समय भी ऐसे ही मूर्ति फंस रहा था, पूरे शहर में घुमाना पड़ा था। ठीक, मूर्ति बहुत बड़ी होने के कारण ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी देख लो वो पेड़ पे फंस गया वहाँ पे डाली पे, तो बैक करके आगे पीछे करके निकालना पड़ रहा है। क्या पता है भाई यहीं से निकाल देगा कि कहीं और से निकालेगा। हाँ निकल जाएगा इस बार निकल जाएगा। और यार हाँ निकल गया। अरे अरे भाई कैसे कर रहे हैं। निकल गया। आने ले दोस्तों, निकल चुका है पेड़ से, अब जाएगा मूर्ति विसर्जन के लिए। सीधा जाएगा लाके नगर चौक से रायपुरा चौक से फिर सीधा अपना महादेव घाट।
बज चुका है, मैं रायपुरा चौक में हूँ, लाठी नगर चौक से मूर्ति निकल गया है, वहाँ से आया हूँ मैं। अब मैं नहीं जा सकता भैया, मूर्ति पाने में बहुत टाइम लग रहा है और कुछ दिन हो गया यार सो ही नहीं पा रहा हूँ। वीडियो से ख़त्म कर रहा हूँ, सॉरी मैं विसर्जन करके दिखा पाऊँगा। हाँ विसर्जन का वीडियो डाल चुका हूँ बहुत सारे मूर्तियों का, बड़ी बड़ी मूर्तियों का, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलो बाय, धन्यवाद।